क्या होता है, लोगों के घरों के अंदर भी पानी होता है? ये जी लोगों के घरों में पानी ऐसे है कि लोगों ने जिन बच्चियों की शादी करनी होती है ना, उनके जो जहेज बनाए हुए हैं उन्होंने, गरीब लोग बंदे ने क्या करना होता है, उनके जहेज तक जो है ना वो सारे ख़राब हो गए हैं, डूब गए हैं। और हम रिक्वेस्ट करते हैं खसूसी तौर पे वज़ीरे आला मोहसिन नकवी साहब से, वो काइंडली 10 मिनट टाइम निकालें और हमारी गरीब आबादी का आगे हाल देखें कि हमारी आबादी का हाल क्या है। सारी आबादी डूब चुकी है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है, हमें अपने खाने की फिक्र पड़ी हुई है। इधर से हम सारे घरों के घर जो हैं वो सब डूब चुके हैं। आप अगर 5 मिनट के लिए टाइम दें तो मैं आपको दिखाऊं, ऐसे पानी आ रहा है जैसे कोई वो दरिया नहीं टूटा होता, ऐसे पानी आ रहा है हमारी बादी में। किस तो जगह पे है ये? साथ दूसरी साइड पे, वो नाल साथ वाली गली है, उससे पानी पूरे डिफेंस का आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ये जो साथ नाला है ना, वो नाला जो है सारा, कभी आज तक 40 साल हो गए उस नाले को बने हुए, वो नाला आज तक किसी ने नहीं साफ करवाया, वो नाला साफ नहीं हुआ। उसका सारा गंदा पानी जो है हमारी वादी में आता है, लोगों को तरह तरह की बीमारियां लग रही हैं। अब ये 3 से 4 दिन कम से कम लगेंगे तो ये पानी निकलेगा। ये ऐसे पानी निकलने वाला नहीं है, कोई महकमा हमें पूछने वाला नहीं है, यहाँ तक कि आज सुबह की इधर लाइट तक नहीं है, लाइट तो भी नहीं है। सुबह से मैं खुद विटनेस हूँ, मैं वाडा वालों को कोई 25 फोन किए हैं, वो बस ये कह रहे हैं हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। अब देखें कि 4-4 फुट हमारी आबादी में पानी खड़ा है, ऊपर से हमारी आबादी में लाइट नहीं है, तो कौन कहाँ जाके हम फरियाद करें, किसको बताएं, किससे पूछें? हमने सुना था कि वो जो मोहसिन नकवी साहब आए हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो शहबाज शरीफ से अच्छे अपना वज़ीर आला हैं, तो वो आए एक बार काइंडली हमारा हाल तो देखें क्या है। ना हमारे पास लाइट है, ना हमारे पास कुछ खाने को है, ऊपर से पानी जो है वो 4-4 फुट है, कोई बंदा घर से बाहर नहीं निकल सकता, यहाँ तक है कि बच्चे बच्चियाँ वॉशरूम जाने से कासर है, ये हाल है। गैस जो है वो नहीं आती बिल्कुल, गैस भी बंद है, हम कहाँ जाएँ, कहाँ से ला के खाना खाएँ? अब हम बाहर का बाजारी खाना तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गैस तक नहीं हमें मिल रही कि हमारे गैस हो, हम बच्चों को खाना बना के दे दें कि हमारे बच्चे चलो पेट तो भर लें। ये हाल है हमारी आबादी का, यानी कि आपके आबादी में ना गैस है, ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली, कुछ नहीं है। बिजली आप चेक करें, इधर देखें सर, लाइट टोटल बंद है पूरे एलडीए क्वार्टर में, ये हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या करें, किधर जाएं, किसको बताएं, किसके आगे फरियाद करें? इनको जब इलेक्शन आएगा सब आ जाएंगे। यहाँ के जो वाल्टन के काउंसलर हजरात हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे रहे हैं, इस वक्त भी बलदियाती नुमाइंदे हैं, वो भी कोई बात नहीं सर, कोई बंदा इधर नजर नहीं आता, कोई बंदा ना नजर आया ना आता है। अगर फोन कर लो किसी को भी तो वो फोन ही नहीं सुनते, तो आना तो बहुत बड़ी बात है, वो फोन सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये हाल है हमारा।